आज हम यूज़ पढ़ने जा रहे हैं सिंस का एज अ कंजक्शन। हम जब सिंस को कंजक्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करें तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह होनी चाहिए जब सेंटेंस को बनाएं। तो देखें, आफ्टर सिंस वन शुड यूज़ सिंपल पास्ट नॉट एनी अदर टेंस व्हेन वी यूज़ सिंस एज अ कंजक्शन। एग्जांपल मैंने नीचे दिए हैं, आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस। अब आपने देखा, आई सब्जेक्ट है, बिन वर्ब है, इन सच अ पिकल ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सेंटेंस है। सिंस उसके बाद आई सब्जेक्ट है, सा आपका वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस एक इधर से बीच में कंजक्शन का काम सिंस ने किया है। तो हमने देखा कि सिंस के बाद हमने सिंपल पास्ट उठाया, तो ये सेंटेंस है ये। अगर हम इसकी जगह आई हैव Not seen you, तो ये गलत है। तो आपने सिंस के बाद सिंपल पास्ट ही उठाना है। नंबर टू, many things have happened since I left school. Since I have left school, ये गलत है। तो सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट का उठाना है हमें। उसके बाद नंबर तीसरा सेंटेंस है, I have not met him since he left Jamshoro. Since he has नहीं होगा, सिंस के बाद आपने सिंपल पास्ट को इस्तेमाल करना है। तो व्हेन यू यूज सिंस एज अ कंजक्शन, नॉट अ प्रीपोजिशन, एज अ कंजक्शन, तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट को ही आपने इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोज़ के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।